Hi guys, welcome back to my channel. My name is Suvarna. I am making videos related makeup and beauty. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो hi guys, my name is Suvarna. I am making videos related makeup and beauty. अगर आप नए हो तो please do subscribe to my channel. मैं makeup and beauty के related content डालती हूँ और फिलहाल मैं अभी vlogs भी डाल रही हूँ, mini vlogs. तो yeah, if you are interested and if you like my content, please do subscribe to my channel. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मीशो का पार्सल. मीशो हॉल है ये वीडियो. सो मैंने मीशो से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था फॉर माय स्टफ ऑर्गेनाइज. तो इसलिए मैंने एक कबर्ड टाइप, लाइक क्या बोलते हैं, ड्रॉवर टाइप मैंने कुछ ऑर्डर किया था एंड मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा था. आई थिंक कितने दिया था मैंने, 552 और समथिंग के मुझे मिला है. तो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, मैंने सुबह से वो रखा था. सो अभी हम ओपन करते हैं उसको. सो लेट्स सी कैसा है और क्या है. अगर ये प्राइस रेंज में अगर मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी. बड़ा बॉक्स मुझे रिसीव हुआ है तो, और बहुत हैवी भी है तो शायद प्रोडक्ट अच्छा हो. तो मैं इसे असेंबल कर लेती हूँ एंड लेट्स सी कैसा है. अभी मुझे इसको असेंबल करना है एंड आई होप कि ये इजी हो असेंबल करने के लिए. असेंबल हो गया है. मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगी बाद में. मेरे से दो तीन बार गलत हो गया था. तो असेंबल करना बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. उन लोग ने जैसे बताया था और बहुत इजी है, लाइक 5 to 10 मिनट्स में भी आप ये कर लोगे, बहुत इजी है. सो मैं आपको इसको बाद में दिखा देती हूँ. उससे पहले मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी सो मैं अपना लंच करूँगी. लंच में आज है मोमोज. मैंने मोमोज जो कि ये है जो वाओ मोमोज का फ्रोजन पैक आता है, इसमें 10 मोमोज आपको मिलते हैं. तो मैंने ये ऑर्डर किया था उसके साथ. एक्चुअली कल ऑर्डर किया था. इसकी प्राइस मुझे पता नहीं है, स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी. दार्जिलिंग मोमोज है ये, वेज मोमोज. 10 पीस आपको इसमें मिलेंगे और ये 165 रुपीज़ का आपको मिलेगा 10 मोमोज. सो मैंने इसको बनाया है इडली का जो बर्तन होता है उसमें. ये इडली का बर्तन है, इसमें मैंने मोमोज बनाए हैं. बाकी मैंने प्लेट्स में ले लिए हैं, सिर्फ 2 बाकी है. इसको कुछ नहीं करना है, जैसे हम इडली डालते हैं थोड़ा सा ऑयल लगाया था क्योंकि ये छिपके ना, बहुत नाजुक मोमोज है, ये चिपक जाएंगे तो फट जाते हैं. सो या उफ 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 बहुत गर्म है. सो इसके साथ मिलती है ये सोया चटनी, लाइक मोमो चटनी आप बोल सकते हैं उसको. अगर आपने वाव मोमोज ट्राई किया होगा कभी भी तो आपको ये चटनी जो हमारे वहाँ पे मिलती है, जो सेम वही चटनी है. सो ये रहे वो मोमोज. और मैंने कल ट्राई किया था इसको एक, तो बहुत अच्छे थे. सो यस, चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो अगर आपको स्पाइसी अच्छा लगता होगा तो डेफिनेटली गोना लव इट. सो लेट्स सी, मैं इसमें सामान रखती हूँ देन पता चलेगा कि मैंने जिस कंसर्न से इसको लिया था वो उसको फिल कर रहा है या नहीं. सो ये बैठ ही नहीं रहा है. जिस कंसर्न से मैंने ये लिया था शायद ये नहीं बैठेगा. तो लेट्स सी, स्ट्रेटनर वगैरह तो बैठ जाएगा. आई थिंक स्ट्रेटनर और जो क्रिम्पिंग मशीन है वो बैठ जाएगा. यस, इजीली बैठ गया है. बट जो मेरा कर्लिंग मशीन है बड़ा वाला वो नहीं बैठ रहा और ये बैठेगा बिकॉज ये इसका रोल थोड़ा बड़ा है. यस, तो ये भी नहीं बैठ रहा है. बाकी
जिस चीज के लिए मैंने इसको लिया था वो ही नहीं बैठ रहा है, तो मुझे कुछ दूसरा रखना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक कवर्ड है, उसमें मैं रख सकती हूँ मेरे जो स्ट्रेटनर वगैरह है। लेट मी, सो दिस इज माय कवर्ड जो कि मैं इधर सब स्टोर करती हूँ मेरी चीज़ें। तो इसमें वो सब चीज़ें बैठ जाएंगी, जैसे कि कर्ल मशीन और वो सब। तो लेट्स सी, अभी बाकी का इधर का सामान उधर डालना पड़ेगा। सो दिस इज माय कवर्ड जो कि मैं इधर सब स्टोर करती हूँ मेरी चीज़ें। तो इसमें वो सब चीज़ें बैठ जाएंगी, जैसे कि कर्ल मशीन और वो सब। तो लेट्स सी, अभी बाकी का इधर का सामान उधर डालना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ कि आई एम बाय प्रोफेशन एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मेरे पास बहुत सारा सामान है जो कि मुझे रखना पड़ता है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं शायद वो चीज़ें इसमें रह जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा, तो ये कवर थोड़ा सा खाली हो जाएगा एंड मैं अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास दो कैट्स हैं और वो ये कबर्ड खोल देती है एंड उनको थोड़ा सा मैसी कर देती है, गंदा कर देती है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर माय प्रोडक्ट, सो इसी वजह से मैंने इसको लिया था। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट मैंने जो मीशो से लिया था, नेल्स, जो कि मैंने अभी जस्ट दिखाया आपको। तो बहुत प्यारे नेल्स है गाइस, सो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। फेस्टिवल में आप पहन सकते हो, लाइक इट्स गुड। सो ये है तीसरा पार्सल जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। वैसे मैंने नेल्स सिर्फ एक ही हाथ में लगाए हैं, दूसरे हाथ में बाद में लगा लूँगी। एक्चुअली ये भी ऑर्गेनाइज़र है जो कि मेरे डैड के जो क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको मंगाया था। सो लेट्स सी कैसा है। सो ये रहा वो ऑर्गेनाइज़र, लेट्स सी कैसे है, क्या है, देखेंगे हम। सो ओ वाओ, ये ही सेम प्रोडक्ट मेरे डैड ने ऑर्डर किया था 700 रुपीज़ का। मैं वो आपको दिखा दूंगी बाद में, आई सो है 700 और 800 रुपीज़ का। कल ही उनको एड्स आते हैं ना फेसबुक वगैरह पे, वहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया था और वो 700-800 रुपये का था। और ये था उनको जो चाहिए था वो, और उनको कुछ अलग ही मिला है एंड ये मैंने सिर्फ 280 रुपीज़ का मंगाया है। सो गाइज, ये जो ग्रीन कलर के लीव्स है वो भी मैंने मीशो से ही लिया था फॉर ₹149 समथिंग। उसकी मैं प्राइस स्क्रीन पे दे दूँगी। उसके बाद मैंने सॉरी अबाउट माय कपड़े यहाँ पे सूख रहे, तो जो कि ये है इस पैक ऑफ 6 और 7, या 6 है शायद, पैक ऑफ 6 जो प्लांट्स मैंने लिए थे मिनी वाले, वो भी मैंने मीशो से ही लिया था। एंड गाइस, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है सम प्रोडक्ट्स की मीशो की। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड
बेयर विद मी, मेरा फेस बहुत, अभी मैं ऐसी विदाउट मेकअप और ऐसी थोड़ा सा घर का काम कर रही थी, सो मुझे याद आ गया मुझे व्लॉग एंड करना है. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड बाय, स्टे ब्लेस्ड.